हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने कर रहे थे क्लास नाइन्थ के लिए लेसन नंबर टेन चल रहा था अपना गुरुत्वाकर्षण। अब उसमें देख रहे हैं अपने आगे कि अपने क्या चल रहा है। आपने कर लिया था पिछले वाली वीडियो में प्रणोद और दाब समझा था। आप अपने करेंगे तरलों में दाब। तरलों में दाब कि तरल तरल जैसे कि अपना पानी हो गया, लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज़ होती है वो तरल पदार्थ कहते हैं उसको। अपने वो किस प्रकार से दाब लगाती हैं वो आज अपने इसमें पढ़ेंगे। देखो, सभी द्रव या गैसें तरल हैं। द्रव गैस भी एक टाइप पे, जब उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर पे अपने किसी चीज़ में डाल के रखते हैं, जैसे सिलेंडर में डालिए, तो वो किस फॉर्म में आ जाती है? लिक्विड फॉर्म में, मतलब तरल जो है रूप में वो आ जाती है। अब देखो, ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। ठोस है मतलब कोई भी भारी भरकम चीज़ है, वो अपने इसके कारण क्या लगेगा, किसी भी सतह पर क्या करेगा, दाब लगाएगा। इस टाइप से इधर से नीचे की ओर दाब लगेगा। इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है। तरल यानी कि पानी ले लो या द्रव ले लो, कुछ भी है, तो वो उनमें भी क्या होता है, भार होता है। तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर बल लगाते हैं। देखो कैसे, मतलब मान लो इस टाइप से कोई बर्तन है अपने पास, इस पे ये देखो कोई तरल है, तो ये तरल क्या होगा, इस टाइप से इसकी दीवारों पर क्या लगाएंगे, ये दाब लगाता है आधार तथा दीवारों पे। आधार यानी कि यहाँ नीचे की ओर भी क्या करेगा, ये जो तरल है दाब लगाएगा। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाले दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित होता है। संचरित होता है मतलब चारों दिशाओं में एक समान से रूप से लगता है। ये नहीं कि एक दीवार पे ज़्यादा बल लग रहा है और दूसरी पे कम लग रहा है, ऐसा नहीं होता। अब आगे देखो, इस पे समझते हैं कि अपने उत्प्लावकता। उत्प्लावकता भी क्या है, एक जो अपना द्रव दाब के रूप में ही है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्प्लावकता होती क्या है। क्या आपने कभी किसी तालाब में तैरे हैं और आपने स्वयं कुछ हल्का अनुभव किया है? मतलब यूँ है कि अगर आपका वेट आपको बाहर ज़्यादा लग रहा है, उसके बाद आप पानी में जा रहे हो ना, पानी के मतलब ये पानी है, जैसे पानी में आप खड़े हो ना, तो आपका वज़न क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। आप बिल्कुल अपने को लाइट एक हल्का फील करोगे। तो क्या आपने किसी कुएं से पानी खींचा है और अनुभव किया कि जब पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी के बाहर आती तो वो अधिक भारी लगती है? देखो, जब तक वो कुएं के अंदर पानी के अंदर डूबी हुई थी तब तक क्या था, वो बिल्कुल लाइट थी, बिल्कुल हल्की लग रही थी, लेकिन जैसे अपने उसको पानी से बाहर निकाल लिया वो क्या होगी, ऑटोमेटिक भारी होगी। तो क्या कभी आपने सोचा है कि लोहे तथा स्टील से बना जलयान समुद्र में क्यों नहीं डूबता? क्योंकि मतलब एक छोटी सी कील होती है, उसको आप पानी में डालते हो, वो क्या जाता है, जाके उसके तल पे बैठ जाती है। लेकिन कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े जलयान हैं, ठीक है, तो समुद्री जहाज हैं, वो पानी में नहीं डूबते, तैरते रहते हैं। तो देखो उसके बाद क्या है, इन सबका जो है समुद्र के में पानी में नहीं डूबता, लेकिन उतना ही मात्रा का लोहा तथा स्टील की चादर के रूप में हो तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। वही जैसे अपनों ने बात की कि यहाँ इन्होंने चादर बोल दिया, मैंने आपको कील के रूप में बताया था। इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने किससे मिलेगा, उत्प्लावकता से मिलेगा। देखो, उत्प्लावकता के लिए इन्होंने क्या किया है कि अपने एक क्रियाकलाप समझते हैं। देखो इन्होंने आगे क्या क्रियाकलाप दिया हुआ है, चलो इसको देखो एक बार। देखो, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पोतल पर नीचे की दिशा में बल लगाता है। सबसे पहले पता है क्या चीज़ है यहाँ पे, ये तो पूरा अपना इतना टॉपिक है। अब देखो, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में बल लगाता है। देखो यहाँ पे मान लो पानी है अपने पास, इसमें ठीक है पानी है, बोतल के अंदर पानी है, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, इसको नीचे की ओर खींचेगा, इस पानी को नीचे की ओर बल लगाएगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल का काम ही यही है। तो इसके कारण जो बोतल है नीचे की दिशा में खींचती है, तो पूरी की पूरी बोतल, क्योंकि पानी किस में है, बोतल के अंदर है, पूरी की पूरी बोतल क्या हो जाएगी, नीचे की ओर खिसक जाएगी। लेकिन पानी बोतल की ऊपर की ओर बल लगाता है। देखो यहाँ पर दो बल लग रहे हैं अपने पास। इसमें मान लो अपने पास ये बोतल है, इसके अंदर पानी है, ठीक है, ये रहा पानी। गुरुत्वाकर्षण क्या कर रहा है, इसको नीचे की ओर खींच रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। लेकिन ये जो पानी है ये क्या कर रहा है, ऊपर की ओर बल लगा रहा है। गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर, और ये पानी जो है खुद पे कहाँ की ओर बल लगा रहा है, ऊपर की ओर बल लगा रहा है। देखो पानी का बोतल जो है ऊपर की दिशा में बल लगाता है, तो बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। देखो जब आप पानी भर रहे होते हो, ठीक है, किसी भी मटके से या कहीं से भी पानी भर रहे होते हो, तो क्या होता है, आपको पूरा थोड़ा सा दाब लगा के उस बोतल को नीचे करना पड़ता है। तो वो क्यों आपको दाब लगाना पड़ता है, क्योंकि पानी क्या कर रहा होता है, उसको बोतल को ऊपर की ओर धकेल रहा होता है। क्योंकि इससे सब प्रूफ हो रहा है कि जो पानी है, जो द्रव है, वो भी क्या करते हैं, दाब लगाते हैं।
देखो हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, ये अपनों ने अभी किया था थोड़ी जो पीछे वीडियोस किए हैं उनमें। जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला बल ऊपर की बल की दिशा में इसके भार से अधिक होता है। जो मतलब फोर्स लग रहा है ना ऐसा ऊपर की साइड पानी के कारण, तो वो क्या होगा, वो जो बोतल है उसके भार से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए बोतल को क्या किया जाएगा, ऊपर की ओर बोतल आ जाएगी, इसलिए छोड़ने पर यह क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। अगर अपने बल नहीं लगा रहे तो बोतल ऊपर की ओर जाएगी। बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल के ऊपर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ता है। देखो जितना फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है उतना ही बल हमें नीचे की ओर उस बोतल पर उस पानी पर लगाना पड़ेगा, तभी वो बल क्या होगा, संतुलित होगा। तो इसके नीचे की दिशा में लगने वाले बाहरी बल को लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। बाहरी बल मतलब अपने खुद उसको दबा सकते हैं अपने हाथ से, तो क्या हो जाएगा, एक टाइप का बाहरी बल ही हो जाएगा। तो यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल तथा बोतल के बाहर के अंतर के बराबर होना चाहिए। अब आगे देखो इन्होंने क्या किया, बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल। अब आके इन्होंने जो है बात बताई है, देखो जो पानी है ना वो ऊपर की ओर एक बल लगाता है, ठीक है, चाहे पानी कहीं भी रखा हुआ है किसी भी जगह पे है वो क्या करेगा, हमेशा ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा। तो पानी के द्वारा लगने वाला यही ऊपर वाला बल क्या कहलाएगा, आपका उत्प्लावन बल कहलाता है। तो वास्तव में किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं में एक उत्प्लावन बल काम करता है। मतलब मान लो यहाँ पे एक इसमें एक पानी है, ठीक है, ये मतलब कुछ अपने पास है बर्तन वर्तन है उसमें कुछ पानी रखा हुआ है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें अपनों ने एक बोतल डाली, ठीक है, बोतल डाल दी, तो बोतल क्या करेगी, ऊपर की ओर जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि नीचे से पानी क्या कर रहा है, इस पर दाब लगा रहा है, ठीक है। तो यही दाब आपका क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। तो उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। अब आगे देखो इन्होंने क्या बोला है कि चलो ये तो हो गया, अब इतना हो गया, अब अपने बात करते हैं कि पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों हैं। अभी अपने बात चल रही थी उत्प्लावक बल की, उत्प्लावक बल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला एक बल होता है जिसे अपनी उत्प्लावक बल कहते हैं। तो अब इसी पर अपना ये बेस्ड अगला टॉपिक है। तो देखो इन्होंने क्या है कि पानी की सतह पर कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं और कुछ क्या कहती हैं, तैरती रहती हैं। अब देखो इन्होंने क्रियाकलाप दिया हुआ है, तो पानी से भरा एक बीकर लिया हुआ है, इसमें एक लोहे की कील डाल दी और पानी की सतह पर देखो, और मतलब क्या होगा, आपको नॉर्मल पता है कि इस टाइप से पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक पानी है, इसमें आपने एक कील डाली, ठीक है, इस टाइप से कील डाल दी, तो कील क्या हो जाएगी, यहाँ इसके तले में आके बैठ जाएगी, ऊपर तैरेगी नहीं। तो देखो कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर रहा है, इसको नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन पानी क्या कर रहा है, ऊपर की ओर बल लगा रहा है। लेकिन पानी जो है कील पर क्या कर रहा है, उत्प्लावन बल लगा रहा है, और उत्प्लावन बल के कारण ये उसको क्या कर रहा है, ऊपर की दिशा में धकेलता है। लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक है, मतलब उसके जो नीचे की ओर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना वो ऊपर की ओर लग रहे उत्प्लावन बल से क्या है, ज़्यादा है, ये वाला बल क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए कील क्या होगी, नीचे जो है डूब जाएगी। देखो इसमें एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ये देखो ये रही कील, ये डूब गई, लेकिन एक ये कॉर्क है, ये कॉर्क मतलब किसी भी बोतल का ढक्कन वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो ये क्या कर रहा, ऊपर तैर रहा, लेकिन कील क्या हो गई, डूब गई। अब देखते हैं अपने, देखो पानी से भरा एक बीकर लीजिए, एक कील तथा समान द्रव्यमान का, मतलब जितना कील का भार है या जितना कील का द्रव्यमान है उतने ही द्रव्यमान का अपनों ने क्या ले लिया, कॉर्क ले लिया, कॉर्क का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। तो इन्हें पानी की सतह पर रखा और देखा कि क्या होता है। देखो अभी अपनों ने डायग्राम में देख ही लिया, कॉर्क क्या हो रहा है, तैर रहा है, और क्या पानी की कील क्या, पानी में मतलब कील जो है वो डूब चुकी है। आगे देखो इन्होंने क्या लिखा है, कॉर्क तैरता है जबकि कील क्या हो जाती है, डूब जाती है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हुआ है उनके घनत्व में अंतर के कारण होता है। घनत्व मतलब जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो क्या चीज़ होगी, वो पानी से जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो घनत्व वाली वस्तु डूब जाएगी, और जिसका घनत्व कम होगा पानी से वो वस्तु उसमें तैरती रहेगी। देखो किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, मतलब एकांक आयतन में जो उसका द्रव्यमान है उसको अपने क्या कह रहे हैं, घनत्व कह रहे हैं। तो कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिसका घनत्व पानी से कम होगा वो तैरती रहेगी, तो इसलिए कॉर्क का घनत्व क्या है, कम है। तो इसका अर्थ है कि कॉर्क पानी पर, पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के बाहर से क्या है, अधिक है, मतलब कॉर्क का भार कम है और ऊपर की साइड अपने जो बल लगाया जा रहा है उत्प्लावन बल वो अधिक है, तो इसलिए कॉर्क क्या हो रहा है, तैर रहा है। और लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या है, अधिक है। लोहे की कील क्या है, काफ़ी भारी है, तो
उसका जो घनत्व है वो क्या पानी के घनत्व से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि लोहे की कील पे जो पानी का उत्प्लावन बल लग रहा है वो भार से क्या है कम है, मतलब भार ज़्यादा है तो उत्प्लावन बल कम हो जाएगा, एक दूसरे के क्या होते हैं ये बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगी डूब जाएगी। अब देखो इस प्रकार द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं, द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं, मतलब पानी का जितना घनत्व होगा ठीक है उससे ज़्यादा घनत्व की जो वस्तु होंगी वो डूब जाएंगी और कम घनत्व वाली होंगी वो तैरती रहेंगी, वो तो तैरती रहेंगी। अब आगे देखो इन्होंने क्या बोला है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।